आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल का बहुत ही टेस्टी सा डोसा, जिसे हम ब्रेकफास्ट में बनाएंगे, क्योंकि सुबह के भागदौड़ में इतनी जल्दबाजी होती है कि हम कुछ टेस्टी और हेल्दी बना ही नहीं पाते हैं। तो चलिए इसी बात को बनाते हैं, इस रेसिपी को। साथ में इंस्टेंट चटनी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टेस्टी सी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तैयारी आपको थोड़ा पहले ही करना होगा। आपको हरी वाली जो मूंग दाल आती है एक कप ले लें, और चावल एक चौथाई कप ले लें। जो वाइट वाली चावल होती है ना, अरवा चावल जिसे हम कहते हैं, वही लेंगे। और इसे 6 घंटे के लिए आप भिगो के रखें, या फिर ओवरनाइट इसे भिगो के रखें जब आप इसे सुबह सुबह बनाते हैं। इसके साथ हम 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्ची और आधा छोटी चम्मच हम यहाँ जीरा डालेंगे, और इसके बाद इसे स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। इसे करना तो बेहद आसान है, और सुबह में इतना हड़बड़ में आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई भी वेजिटेबल्स भी नहीं पड़ती है। और आप इसे एक बाउल में निकाल लें, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे थोड़ा सा हम पतला करेंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, जिससे बैटर थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी मुझे, तो गाढ़ा बैटर नहीं रखना है, थोड़ा सा स्मूथ रखना है और इसे थोड़ा पतला रखना है। तो चलिए इसके बाद हम चटनी बनाते हैं फटाफट से। 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल लेंगे, इसमें 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ले लेंगे, और इसके बाद 1 चम्मच हम उड़द की दाल लेंगे। जो भी उड़द की दाल आपके पास, काली उड़द की दाल हो, वाइट बिना छिलके वाली उड़द की दाल हो, वही भी आप ले सकते हैं। और 2 टमाटर ले लें, 2 टमाटर आप काटें, और लाल वाली टमाटर हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सारे चीज़ आपके घर में भी अवेलेबल होते हैं, तो बस आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत जल्दी पक जाएंगे। तो जैसे ही सारी चीज़ अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, तो हम इसे ठंडा करके चट्टी को पीस लेंगे, और उसमें तड़का लगाने के लिए हमने सरसों का तेल डाला है, राई और सूखी लाल मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते डाल के हम इसमें फटाफट से तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने के बाद ये चटनी बहुत ही टेस्टी बन जाती है, और ये बहुत ही झटपट बन गई ना, तो तैयार हो गई है चटनी। और चलिए अब हम गर्मा गर्म डोसा बनाते हैं। तो चटनी को रेडी कर लिए हैं हमने, और उसके बाद तवे को ग्रीस करेंगे तेल से, उसमें पानी के छींटे मारेंगे ताकि जो तवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए। और आँच को कम करके हम इसमें डोसा इस तरीके से एक फुल लैडर लेंगे, और इसे घुमाते हुए इस तरीके से डोसा बना लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा बटर लगा लिया है, जिससे ये अच्छे से पक जाए। आप चाहे तो तेल से भी ग्रीस कर सकते हो इसे। और उसके बाद कटे हुए कुछ प्याज और हरी मिर्ची डाल लेंगे, और थोड़ी देर के वेट करने के बाद जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन होने लगे चारों तरफ से, तो बस आप इसे इस तरीके से डोसे की तरह बना लें ताकि ये क्रिस्पी बने। आँच को लो में रखेंगे, फिर से हम तवे को गर्म करके इसमें ग्रीस करेंगे, सेम प्रोसेस बार बार करेंगे, और उसके बाद डोसे की तरह बना लेंगे। तो है ना बहुत आसान। फिर से थोड़ा बटर लगाएंगे, बटर लगाने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद कटे कुछ प्याज, हरी मिर्ची, आप गाजर को भी कद्दूकस करके डालोगे वो भी बहुत अच्छी लगेगी। जो भी आपके पास वेजीज है डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। और इसके बाद इसे फटाफट से रेडी कर लेंगे, बाकी सारे डोसे भी इसी तरीके से बनाएं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं चटनी के साथ, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। आप इसी तरह की चटनी बनाएं, आप डोसा इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगेगी। कमेंट में ज़रूर करके बताएं आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।